रहा है तो परिवर्तन 2019 का नारा है कि नौजवान को हक चाहिए, किसान को हक चाहिए, खैरात नहीं चाहिए। हमें कोई खैरात की गैस नहीं चाहिए। अगर किसान को फसल का दाम मिल जाए, पिछले 25 साल के हिसाब से 12,000 रुपये कुंटल गेहूं धान का दाम मद्दों पर, एक तिहाई 4,000 ही दे दो, तो किसान को ना फ्री की गैस चाहिए, ना लैपटॉप चाहिए, ना साइकिल चाहिए, ना कुछ चाहिए। ये सब हम अपने पैसे से खरीद सकते हैं। तो ये जो देश के नाम पर एक तर चल रहा है, इसका विरोध करेगा। और इसके अलावा एक मुद्दा जो उठा और लोग थोड़ा सा भूल गए, SC ST एक्ट का, SC ST एक्ट का जो संशोधन हुआ, जो देशद्रोही एक तरह से एक्ट लागू किया गया कि बिना जांच के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि भाई कम से कम जांच तो कर लो, जांच करने के बाद में अगर दोषी हो तो बिल्कुल सजा दो, बिना जांच के एक आम आदमी अगर जेल चला जाए, आप पत्रकार बंधु भी जेल जा सकते हो, कोई भी जेल जा सकता है, अगर एक झूठी शिकायत के ऊपर भी जा सकता है, तो उस एक्ट का जो संशोधन हुआ, उस संशोधन का विरोध करने का काम खाली लोकदल ने किया। और लोकदल उसको भी एक मुद्दा बनाता है कि देश की 78% जनता बिना किसी गुनाह के जेल जाए नहीं जाएगी, और निश्चित रूप से ये एक्ट जो है देश के उसके विरुद्ध है। ये देशद्रोही दल सब आपस में मिलकर 22% वोट के लिए ये काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारे दलित भाई भी ये नहीं चाहते कि गलत आरोप में कोई भी जेल जाए। तो ये जो किया जा रहा है निश्चित रूप से गलत है, और इस एक्ट का विरोध लोकदल करने का काम इस परिवर्तन यात्रा से करेगा।